अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी। खोरे सच संताली दे और खालसा राज फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान नू लेके मैं आज पहुंचा हुआ डिस्ट्रिक्ट चकवाल दे अंदर। चकवाल दे अंदर आया मैं, एक पिंड है मुंडे। मुंडे पिंड तकरीबन चकवाल तो साउथ वाली साइड दे उत्ते, साउथ वेस्ट वाली साइड दे उत्ते घट्टो घट कोई 25 किलोमीटर के फासले दे उत्ते बनता है। और इत्थे दे बड़े नामी ग्रामी लोग गुजरे ने जिहड़े कि प्री पार्टीशन जिन्हां दा बड़ा नाम सी, जिन्हां दीआं जमीनां जायदादां और घर सब कुछ इत्थे छड्ड के अखीर जा वसे ईस्ट पंजाब दे अंदर। ईस्ट पंजाब दे अंदर भी कुछ लोग एडजस्ट ना हो सके ते वो ईस्ट पंजाब नूं छड्ड के चले गए। कुछ यूरोप चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया जा वसिया, कोई जर्मनी जा वसिया। कहिंदे ने कि जदों एक बूटे नूं एक जगह तो पुट दिता गया तो फिर एक थां की, तो फिर दो थां की, तीन थां की, तो चार थां की, अखीर उन्हां लोगों ने ईस्ट पंजाब की धरती में छड़ के तो लोग जाके मुल्क तो भी बाहर जाके वस गए, पंजाब तो भी बाहर जा वसे, क्योंकि टुटे दिल जड़े ने वो बहुत घट जुड़ते हैं। मैं आज ऐसे तरह की एक छोटी जी स्टोरी लैके थोड़े सामने फिर हाज़र होया वा। मेरे दोस्त ने सरदार मनबीर सिंह कोहली जिहड़े कि इस वेले हाल मुकाम ऑस्ट्रेलिया दे विच ने, उन्हां दे जिहड़े पेरेंट्स सन, उन्हां दे वालिद साहब जिहड़े सन चरणजीत सिंह कोहली और उन्हां दे अगू जिहड़े ग्रैंड फादर सन उन्हां दा नाम सी ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह सरदार चरणजीत सिंह जिहड़े ने वो 1930 दे विच ऐसे बाज़ार दे विच ए सामने खड़े हुए एक घर जिहड़े ने उहदे च पैदा होए सन। मैं बजुर्ग ने रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद रमज़ान साहब, मैं उन्होंने को कुछ थोड़ी जी गलबात की तो उन्होंने मैं दसिया इस चीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। सरदार जी, मैं यह दसो कि इतने धर्मशाल केड़ी सी, धर्मशाल जी है वह किस पास से? अच्छा जी, यह दसिया जा रहा कि यह जगह जी इतों शुरू हो रही है, यह सारी जगह जी है धर्मशाल की सी, ए कुछ हिस्सा हले बाकी है। मैं थोड़ा तो बैक साइड तो दिखाना वा। और सरदार ईश्वर सिंह का घर कड़ा सी? अच्छा अच्छा, आओ जरा। तुहानूं सरदार ईश्वर सिंह जी के बारे च याद है? उन्होंने बेटे बच्चों तुसी जानदे सी? जसबीर सिंह। अच्छा अच्छा, जसबीर सिंह नूं तुसी जानदे सी। ऐ जी जी, देखो धर्मशाल ए जिहड़ी उहदी बैक साइड का कुछ हिस्सा जिहड़ा वह बाकी है। यह बाबा जी दस रहे हैं कि यह जी जगह ओ गली दी नुक्कर तक जा रही है। यह सरदार मनबीर सिंह यानी कि उन्होंने सिस्टर सरदार ईश्वर सिंह जी का घर है। महताब सिंह। अच्छा, नाल लगे महताब सिंह का घर से। हरनाम सिंह। अच्छा अच्छा, नाल घर जुड़े हुए सी। अच्छा ਤੁਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ? ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਦੋ ਘਰ ਸਨ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। अच्छा जी, जर मनबीर जी, ये थोड़े चाचा जी दे या ताया जी दे जड़े ने क्लासमेट ने, इत्थे जमाती कहा जाता है। जड़ा बंदा नाल बह के पढ़ता होवे उन्हू जमाती कहा जाता। कह रहे हैं कि मिडल जड़ी है असी इत्थों कीती सी और सुबदार साहब ने भी मैट्रिक दे पेपर दिते सन और उन्होंने भी दिते सन। वो चले गए सन उत्थे खालसा हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल दे, और सरदार चरणजीत सिंह ने भी मैट्रिक उत्थों ही कीती सी। अच्छा, तुसी कोई कुछ तुहानू कोई थोड़ा बचपन का अपना याद हो जो तुसी इत्थे आंदे सी इस गली दे विच? खास याद नहीं है, बचपन जो खेल खेल होंदे बच्चे इकट्ठे खेलदे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो थानू जसबीर नाल कोई तुहाडी याद है? ईश्वर सिंह दी मशीन सी आटे दी, चक्की चौक। अच्छा, तुसी वो चक्की वाली भी जगह सानू दिखानी है कि वो चक्की कित्थे आया सी जी? वो दिखा। मनबीर जी, इस वेले आटे दी चक्की नहीं रही, गुरद्वारा साहिब खत्म हो गया, घर भी जड़ा वो डह गया, लेकिन दस रहे ने कि हॉस्पिटल बाकी है, पिंड दे कुछ खूह बाकी ने, पानी दी बन बाकी है, कुछ स्कूल बाकी ने। तो वो सारे क्लोज लैके मैं फिर दोबारा हाजिर हूँ। मैं हाँ थोड़ा अपना हौस बाबा जी, और देखते रहो खालसा राज फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान।